हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीटी फॉर बिगिनर्स, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं आरसीटी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप के भी अगर स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल भी नहीं पता है, आरसीटी समझ नहीं आती है, डिपार्टमेंट में जाते हैं तो भी पता नहीं है आरसीटी क्या होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, बुक से पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूज़न होता है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और जनरली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस भी नहीं मिल पाते हैं उनको समझने के लिए, अगर वो समझना चाहे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। लास्ट तक वीडियो आप देखिए। हम ये समझ रहे हैं कि आरसीटी हमें अभी बिल्कुल नहीं पता है, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो प्रोसीजर है उनके बीच में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं बेसिक, और जो मटेरियल यूज़ होता है, जितना हो सकता है हम यहाँ पे स्टार्ट करते जाएंगे, नाम उनके समझते जाएंगे, और फिर आगे वीडियो में अगर आप कहेंगे तो हम उनको डीप भी समझेंगे क्या होता है। जनरली हमें आरसीटी के बारे में कुछ नहीं पता है क्या होता है, आगे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा आप समझिए। टूथ स्ट्रक्चर्स आपको ज़रूर पता होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँगा। तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, ये हमारा इनेमल ऊपर का जो पोर्शन है, क्राउन होता है, ये रूट होती है, बीच में जो आप देख रहे हैं वो पल्प है, सबसे ऊपर जो है इनेमल, फिर डेंटिन की लेयर, और फिर पल्प जो लास्ट तक होता है, ये हमें पता है, लेकिन आरसीटी नहीं पता है, वो आप समझेंगे। चलिए, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम किन कंडीशंस में करते हैं वो हम स्पेशली किसी और वीडियो में समझेंगे। चलिए, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें करना है तो तीन प्रोसीजर रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले होती है एक्सिस ओपनिंग, आगे अभी हम समझ रहे हैं क्या होता है, इसमें हम यही समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं वो हम फिर आगे समझेंगे। दूसरा होता है बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, जिसको BMP हम बोलते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा। और लास्ट जो होता है हमारा ऑब्चुरेशन। तो सबसे पहले तो ये याद करना है आपको कि एक्सेस ओपनिंग, ओपन हम करते हैं, फिर BMP, फिर ऑब्चुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग। तो एक्सेस ओपनिंग में होता क्या है, जैसे आपको समझ में आ रहा है ओपनिंग, तो हम रूट कैनाल स्टार्ट कर रहे हैं, ओपन करते हैं, इसमें हम किसको ओपन करते हैं, पल्प चेंबर को हम ओपन करते हैं, ऊपर से हम ड्रिल करते हैं और पल्प चेंबर तक पहुंचते हैं, और कैनाल को हमें सर्च करना होता है। तो टूथ स्ट्रक्चर इनेमल काफ़ी हार्ड होता है, डेंटिन भी, इसके बाद पल्प, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी ड्रिल करने के लिए, एक्सिस ओपनिंग के लिए जनरली हमें ज़रूरत होगी बर्स की, इसके लिए एक्सिस ओपनिंग बर्स ले सकते हैं, राउंड बर यूज़ होगा आपको, स्ट्रेट बर भी इसके लिए आपको जनरली यूज़ हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, और इसको हम बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं करेंगे, जितना हमें अभी समझने की ज़रूरत है हमें उतना दिमाग में बैठाना है बस। तो बर्स आपको लगेंगे, और बर्स हम किस में यूज़ करते हैं, एरोटर, तो एरोटर आपको लगेगा, एरोटर हैंड पीस। और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हो सकता है माइक्रोमोटर से करने के लिए कहा जाए, जिसकी स्पीड होती है 36,000 RPM के करीब, और काफ़ी कम होती है, एरोटर जो होता है उसकी ज़्यादा होती है, 2 लाख और इससे भी ज़्यादा RPM इसकी स्पीड होती है, जो फाइनल ईयर में कराते हैं या फिर बाद में आप उसको ही यूज़ करने वाले हैं। तो बार आपको लगेगा एक्सेस ओपनिंग में, एरोटर हैंडपीस आपको लगेगा, इसके बाद आपको फाइल्स लगती हैं, फाइल्स के पहले मैं स्ट्रेट प्रोब लिख देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, देखिए बर्स हो गए, आपने यहाँ से ओपन किया, हम पल्प चेंबर तक पहुँचते हैं, स्ट्रेट प्रोब आपको लगेगा, स्ट्रेट प्रोब आपका अच्छा होना चाहिए वो कैनाल्स को सर्च करने के लिए। इसके बाद कैनाल सर्च करने के लिए हम फाइल्स भी यूज़ करते हैं, जनरली K फाइल्स हम यूज़ करते हैं, 6, 8 और 10 नंबर की, 10 नंबर की फाइल ज़्यादा आपको यूज़ होती है, जनरली 10 नंबर की फाइल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और कुछ केसेस में जहाँ पर नहीं मिल रही है कैनाल्स या फिर थिन है
वहाँ पर हम 6 और 8 नंबर की भी फाइल्स यूज़ करते हैं। तो एक्सेस ओपनिंग में हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, इतना समझिए। 6, 8 और 10 नंबर की फाइल्स में आप अभी के लिए याद रखिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, सब अलग अलग टॉपिक है। अभी के लिए आप याद रखिए, जो जनरली आप अभी यूज़ करेंगे, के फाइल और एच फाइल्स, ये आप अभी यूज़ करेंगे। इसी में आपको एक्सेस ओपनिंग में रूट कैनाल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो रूट कैनाल एनाटॉमी आप पढ़ लें, हर टूथ की अलग होती है, तो जो जनरल एनाटॉमी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो जनरल एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए कैनाल्स की। इसके बाद जो अलग केसेस होते हैं, जिनमें जितनी एनाटॉमी होती है, जो एनाटॉमी है उससे अलग भी कैनाल्स मिलती है, वो एक अलग टॉपिक है। चलिए, तो ये हो गया एक्सेस ओपनिंग, हम इसमें करते हैं ओपन, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब हम आगे चलते हैं, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम करते हैं बीएमपी, या जिसको हम बोलते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। एक्सेस ओपनिंग में आपने कैनाल सर्च कर ली कि कैनाल्स कहाँ है, फाइलिंग भी आपने कर दी 10 नंबर तक, 15 नंबर तक या 20 नंबर तक फाइलिंग आपने कर दी कैनाल्स को सर्च करके। इसके बाद अब हम प्रिपेयर करेंगे कैनाल्स को, जो डेड पल्प है, जो पल्प टिश्यूज़ है, उनको हम रिमूव करेंगे। और किसके लिए, इसको हम बोलते हैं क्लीनिंग और शेपिंग, क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ द कैनाल भी हम इसको बोलते हैं, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन को। जो ऑब्चुरेट हम करने वाले हैं आगे, उसके लिए हम क्लीनिंग एंड शेपिंग कर रहे हैं, तो पल्प को हमें निकालना है। तो ये क्लियर है, बीएमपी में हम पल्प को निकाल रहे हैं, हमारी जो कैनाल्स हैं उनको शेप कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। तो जो आपने ढूंढ लिया है, तो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, पहले इसके पहले आपको लेना पड़ता है वर्किंग लेंथ। अब यहाँ पर आपको बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे, जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो आगे वीडियो भी इसमें लेके आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे एक्सेस ओपनिंग अलग टॉपिक है, बीएमपी अलग है, ऑब्चुरेशन अलग है, इसमें फाइल्स का टॉपिक है, एनाटॉमी, रूट कैनाल एनाटॉमी का टॉपिक है, बर्स हैं, वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन भी एक अलग टॉपिक है। तो बेसिक हम देख रहे हैं कि क्या होता है अभी के लिए। तो हम करेंगे वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, वर्किंग लेंथ लेंगे, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आगे हम इसको समझेंगे। तो वर्किंग लेंथ के लिए आपने अलग अलग नंबर की फाइल प्लेस करनी होती है, अलग अलग नंबर की आपने फाइल प्लेस कर दी। उसके बाद हम एक्सरे ले लेते हैं, और जितना भी शॉर्ट है या ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, उसको हम मैनेज कर लेते हैं। और इसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट ध्यान में रखना है, रेफरेंस पॉइंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी आपने कस्प लिया है, जहाँ से जो आपकी फाइल है इस रेफरेंस पॉइंट में है, तो अगली बार भी वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि हम बेसिक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं। और जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके पास अपेक्स लोकेटर आप यूज़ करेंगे, तो फिर इस मेथड का यूज़ हम नहीं करते हैं। चलिए, तो वर्किंग लेंथ ले लिए, अब हम प्रिपेयर करेंगे, जो कैनाल हमने सर्च की थी इसको हम प्रिपेयर करते हैं, साफ करते हैं। तो अभी हम इसके लिए के फाइल्स का यूज़ करते हैं, तो आपको के फाइल्स की ज़रूरत होगी, एच फाइल्स की ज़रूरत होगी। जनरली आपको 15 से 40 नंबर की फाइल की अभी के लिए ज़रूरत होगी, 40 से फिर 80 तक के लिए भी होती है। और फाइल्स हैं, जैसा मैंने कहा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, के फाइल्स है, एच फाइल्स है, उसके बाद प्रोटेपर्स हैं, रीमर्स हैं, शेपर्स हैं। हमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है, के फाइल्स और एच फाइल्स की हम बात कर रहे हैं। 40 नंबर की कम से कम आपके पास होनी चाहिए, 40 नंबर तक आप बीएमपी करते हैं तो बहुत अच्छा है। कंपलसरी नहीं होता कि 40 तक ही करनी है या 80 तक ही करनी है, अच्छे से आपकी कैनाल्स क्लीन हो जाए वहाँ तक आपको यूज़ करना होता है। अब इसमें ही बीएमपी में ही हम इरिगेशन करते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक है। इरिगेशन आपको करना होता है अपने फाइल की, उसके बाद ये कटिंग करेगी, शेपिंग करेगी, तो जो भी डेब्रीज होती हैं, पल्प होता है, अंदर होगा, किसी भी चीज़ में हम साफ़ करेंगे,
अगर वहाँ की कटिंग हुई है तो वहाँ पे अंदर गंदगी होगी, उसको हमको निकालना होता है, साफ़ करना होता है, इसके लिए हम इरिगेशन करते हैं। तो नीडल से जनरली हम इरिगेशन करते हैं, नीडल को फोल्ड करके अंदर आप डालेंगे, क्लीन करेंगे, डेब्रीज बाहर आती हैं, फिर हम आगे अगली फाइल में जाते हैं। ध्यान आपको रखना है फाइल जो यूज़ करेंगे नंबर आपको स्किप नहीं करना है, जैसे 15 के बाद 20, फिर 25, 30, ऐसे लाइन से आपको यूज़ करते जाना है, नंबर स्किप नहीं करना है। 15 के बाद ऐसा नहीं 25 या 30 यूज़ कर रहे फिर वो लेजेस बनेंगे, प्रॉब्लम होगा आपको। तो इरिगेशन करना है, इरिगेशन अलग टॉपिक है, इसके लिए हम अलग अलग यूज़ करते हैं मटेरियल। जैसे जनरली हम NS नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड हम यूज़ करते हैं, इसके बाद क्लोरहेक्सिडिन हम यूज़ करते हैं, और भी सारे हैं, अलग टॉपिक है, समझेंगे। तो ये आपको याद रखना है, जनरली सोडियम हाइपोक्लोराइड और नॉर्मल सलाइन हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। ये हो गया BMP, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन या क्लीनिंग एंड शेपिंग। यहाँ पे देख लेते हैं, ओपनिंग हमने देख लिया था, ये एक्सेस ओपनिंग हो गया, BMP में हम क्लीन कर रहे हैं कैनाल्स को, जितनी भी कैनाल्स हैं ऐसा कैनाल्स क्लीन हो जाएंगी। जो भी अंदर पल्प था, जो भी डेब्रीज थी, वो हम साफ कर देते हैं। यहाँ पर हमारी BMP कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड है ऑब्चुरेशन। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, थर्ड जो है ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी कैनाल्स हमने क्लीन की हुई है इसको हम फिल करते हैं, अच्छे से इसके फिलिंग करते हैं। फिलिंग किससे करते हैं हम, ऑब्चुरेशन गट्टा पर्चा। अब जो गट्टा पर्चा पॉइंट्स हैं ये भी अलग अलग आते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक है। गट्टा पर्चा जब हम फिल करते हैं तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी फिर स्प्रेडर्स की जरूरत आपको पड़ सकती है ऑब्चुरेशन के लिए, और हमें किसकी जरूरत पड़ती है मेनली, सीलर। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें, सीलर आपको लगता है और गट्टा पर्चा आपको लगता है। गट्टा पर्चा भी अलग अलग शेप में आता है, अलग नंबर से आता है, अलग साइजेस में आता है। सीलर भी एक अलग टॉपिक है, बहुत सारे तरीके के सीलर्स आते हैं, समझेंगे। तो ऑब्चुरेशन के लिए जनरली ये दो मटेरियल आपको लगेगा, और सील करने के लिए अब आपके पास, आप बर्नर से सील करते हैं, आपको बर्नर चाहिए होगा, या आपके पास इंस्ट्रूमेंट, बेसिक की हम बात करें तो जो बॉल बर्निशर जो होता है उसको हम गर्म करके सील कर देते हैं। कैसे, ऑब्चुरेशन में करना क्या है, जो गट्टा पर्चा आपने जहाँ तक लिया था आपने यहाँ पर भर दिया, और जो एक्सेस होता है उसको हम यहाँ से ऐसा कट करना पड़ता है, जो गट्टा पर्चा है यहाँ से फिर कट करना पड़ता है, ये एक्सेस हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम सील कर देते हैं, अंदर सीलर डाल के, सीलर डालते हैं गट्टा पर्चा में लेके और सील कर देते हैं, ये हमारा ऑब्चुरेशन होता है। इसके बाद हम पोस्ट ऑप करते हैं, ये जो हमारी कैविटी है यहाँ पर फिलिंग करेंगे, GIC फिलिंग आप कर सकते हैं, और फिर कैपिंग की प्रोसीजर होती है। RCT की हम बात करें तो ये तीन प्रोसीजर हमारी होती है। तो अगर आप बिगिनर से तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एक्सेस ओपनिंग क्या है, BMP क्या है, ऑब्चुरेशन क्या है, इतना आप याद कर लीजिए बस, एक्सेस ओपनिंग, BMP, ऑब्चुरेशन, क्या क्या होता है हमने यहाँ पर समझ लिया है। आगे के वीडियोस में अगर आप बोलेंगे तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। काफ़ी समय पहले, 2-3 साल पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, और एक्सट्रैक्टेड टूथ पर भी बनाया हुआ है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल में आप सर्च करेंगे तो, और आगे भी इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो हम डाल देंगे। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा है, समझ में आया तो आपको लाइक करना और शेयर जरूर करें वीडियो को, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ट्राई करेंगे जल्दी उन पर वीडियोज़ बनाने की या क्लियर करने की। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।